हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सी चैनल के ऊपर यहां मैं आज बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर वन की जिसके अंदर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड और... फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कितने टाइप का होता है टॉर्क क्या होता है फोर्स क्या होता है क्लम्प्स लॉ क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है साथ ही जानेंगे गॉज लॉ ने क्या बोला था एप्लीकेशन क्या कहती है उसकी कैसे आप लोगों के इसके अंदर ग्राफ्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ साथ ही आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होती है एक्सेस के ऊपर इक्वेटर के ऊपर तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मले है उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर इसको मैं बहुत क्रिस्प तरीके से समझाऊंगा जिससे आप लोगों को एग्जाम के अंदर सारी चीज़ें बहुत ईजिली में आ जाएंगे बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोग इस चैप्टर को रिकवर कर पाओगे चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और एग्जाम के अंदर फोड़ पाओगे चलिए हम लोग अलग लेवल का आ जाएगा कि क्या है मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में मुश्किल नहीं है भैया मेरे कुछ भी हिम्मत तो कर जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर यार कोशिश तुझे करने की जरूरत है अगर जिस दिन तूने कोशिश करने की ठान ली ना तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कभी इंपॉसिबल हो हर चीज को लेके आ सकता है मेरे भाई सिलेक्शन तो आराम से तेरा होगा बस तुझे एक डेडिकेशन की जरूरत है एक तरफ लगने की जरूरत है कि सर मुझे सिर्फ सलेक्शन चाहिए सलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े इस चीज को आपको दिमाग में रख लेना है तब जाके आप लोग सलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने वाले हो चलिए हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात आती है सर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मतलब है बेटा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि सर मेरे पास कोई भी चार्ज है वो रुका हुआ है और उसकी स्टडी मैं करता हूं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स राइट है मेरे भाई उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि सर जब चार्ज की बात इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं तो कितने टाइप का हमारा चार्ज होता है कैसे मैं डिफाइन करता हूं किसी भी चार्ज को तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बॉडी है और बॉडी के अंदर क्या है सर इनिशियली मैंने बोला कि बॉडी हमारी क्या है न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बॉडी के अंदर है उतना ही क्या है नेगेटिव चार्जेस बॉडी के अंदर है अब बारी आती है कि सर यहां पर इस रेशियो के अंदर जब चेंज आता है वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी कैसे देखिए अब हम लोगों ने क्या जाना कि सर अगर यहां से ये बॉडी है वो क्या करती है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है बेटा यहां पे त्याग देती है तो डोनेट करने पर क्या होगा यहां पे पी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ई से बोला सर कैसे बोला भैया पी तो हमारा कितना है एट है और ई हमारा कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ये बॉडी बॉडी जो है है वो किस टाइप की बोला सर ये हमारी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है क्यों मैंने ऐसे बोला क्योंकि सर हमें पता है कि सर जब भी हमारा पी का अमाउंट ज्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी कि सर वहां पर हम लोग जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से हम लोग पावर को चढ़ाते हैं वैसे ही क्या होता है कि अगर मान लीजिए बॉडी जो हमारी है वो क्या कर रही है सर जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, कर रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के वैल्यू के कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी इस केस में क्या हुआ ई e का अमाउंट पी से ज्यादा हो गया है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यानी कि सर ये चीज किससे डिसाइड होती है पॉजिटिव

तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो चार्ज है उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ एक से दूसरे के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो यही हमारा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है सेकेंड होता है प्रॉपर्टी सर इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करोगे किसकी बात करोगे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करोगे फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास क्या है एक सिस्टम है अगर इस सिस्टम को हम लोग देखते हैं तो सर यहाँ पे क्या हुआ एक है मान लीजिए माइनस क्यू है प्लस का थ्री क्यों है प्लस का सिक्स क्यों है माइनस का थ्री क्यों है अगर तेरा ये इस तरीके से कोई भी है सिस्टम के अंदर तो तुम कैसे निकालोगे कि सर इसके ऊपर चार्ज कितना है तो वो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इनका एल्जैब्रिक्स सम करेंगे और जो भी हमारा चार्ज आएगा वो प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या बोल देते हैं एडिक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तो आपको क्या करना है इसके साइन के साथ आप लोगों को लेना है कि इसके अंदर कितना हमारा है थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि सर मान लीजिए किसी भी बॉडी से आप लोगों ने क्या किया है ट्रांसफर किया है किसी भी चीज को अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि उसके ऊपर कितना चार्ज है टोटल चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे तो ये हमारा होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई क्या हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि सर Q बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन ई आप लोगों का हो जाता है यानी कि सर ये हमारा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा यानी कि सर एन की वैल्यू क्या होगी वन होगी टू होगी थ्री होगी फोर होगी टिल द एंड ऑफ चलती रहेगी और ई e की वैल्यू क्या होती है बोला सर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पार माइनस नाइनटीन कुलम आप लोगों का हो जाता है तो ये आप लोगों को डिफाइन करके समझ के रखना है यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों से क्या अभी आपने कभी सुना है कि सर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सर आपने ये एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं की वन से क्यों किया की। तो बेटा कभी भी आपने ऐसे सुना है कि एक बॉडी से हमने जीरो चार्ज को ट्रांसफर किया या जीरो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से ट्रांसफर किया क्या अभी कभी सुना है आप लोगों ने या कभी आपने ऐसे सुना है कि सर एन की वैल्यू 1.2, 3.2 ऐसे सुना है नहीं होगी ना भैया इंट्रीगल मल्टीपल है यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे चलता जाएगा अब बात आता है कि सर क्या वेलोसिटी का इंपैक्ट होता है चार्ज के ऊपर तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जो भी हमारा चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है वो बराबर होता है चार्ज मोशन के अंदर जो होता है

आर डिस्टेंस के ऊपर अगर ये हमारे हैं तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा भैया फोर्स कोई सा भी हो सकता है या तो चार्ज जो है इनको डिफाइन कर दे कि या तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है कुछ भी हो सकता है हमने डिफाइन नहीं किया हमने बोला है कि इनके बीच में लगने वाला चाहे फोर्स ऑफ रिफल्शन या अट्रैक्शन का जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है क्यू वन क्यू टू के यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट सेकंड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के ठीक है बोलो सर राइट है स्क्वायर के अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे बोला सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं k क्या हो जाता है q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा r स्क्वायर आप लोगों का आ जाता है राइट है मेरे भाई अगर ऐसा है तो इस k की वैल्यू क्या हो जाती है बोला सर ये होती है 1 अपॉन 4 पाई बहुत सारे लोगों को लगा बोला गजेंद्र सर पागल हो गए हो क्या ये क्यों लिख रहे हो बेटा मैंने ये लिखा है हो सकता है तेरा ये वैक्यूम हो हो सकता है तेरा फ्री स्पेस हो कुछ भी हो सकता है आगे जाके तो उसको कैसे डिफाइन करेगा उसको डिफाइन करने के लिए तुझे दो चीजों की याद रखना है कि भैया ये जो तेरा ई होता है ना इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बोला सर ये स्मॉल के लिया जाता है ठीक है तो ये हमारा क्या होता है कैपिटल के और ये क्या हो जाएगा एपसेल नॉट ये तेरी इसकी वैल्यू होती है तो इसको यहाँ पे जब रखता है ना तो ये क्या हो जाता है बोला सर वन अपॉन वन फोर पाई के साइलेंट नोट यानी कि सर या तो हम लोग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल देंगे ठीक है या इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर परमिटिविटी क्या बोल देते हैं या तो हम लोग इसको परमिटिविटी हम, लो, हम लोग इसको बोल देंगे ठीक है तो भैया आप लोगों को समझ में आ गया ई द क्या है ये हमारी क्या होती है परमिटिविटी हो गई है ठीक है ऑफ दी मीडियम मीडियम की परमिटिविटी की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ठीक है भैया क्लियर है और यहां पे जब फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात की जाती है ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है वन हो जाती है इसलिए आप लोगों को ये दिखाई देता है वन फोर पाई नॉट तो भैया मेरे इसको याद रखेगा इस के की जो वैल्यू होती है ना ये के की क्या होती है वन फोर पाई नॉट होती है कब होती है जब आप लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करते हो जब आप मीडियम को कंसिडर करोगे तो उसका कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं के तो आपसे सवाल पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कि यार आपका फोर्स कितने टाइम रिड्यूस होगा या फोर्स इंक्रीज होगा कब जब आप लोग क्या करते हो एक डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हो उनके बीच में तब तो भैया डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस आएगा तो भाई हम लोग बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा के टाइम्स हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा रिड्यूज हो जाएगा जो नया फोर्स होगा वो समझ में आ गया होगा आई होप की चीज़ आपने समझ ली होंगी यहां से हम लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है मैंने समझा दिया है कि क्या इसके अंदर चीज़ें होने वाली हैं ये के, के बराबर कैसे होता है कैसे इसके अंदर चीज़ें होती हैं राइट right, मेरे भाई आई होप की समझ गए होंगे इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह हमारी क्या हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग के को डिफाइन कर देते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग उसको बोल देते हैं तो ये कितना होता है बोले सर ये अभी अभी हमने पढ़ा है क्या होता है ये यहां से ये या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं के इज इक्वल टू क्या है ये हमारे पास है या हम लोग अगर इसको कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बोला सर ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं तो इसलिए आप लोगों के मैंने यहां पे पे क्या क्या लिखा है है के नॉट नॉट लिख दिया भैया की वैल्यू होती है? बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर कितनी होती है नॉट की वैल्यू तो 8.85 माइनस ट्वेल्व आप लोगों की होती है यूनिट कैसे निकालोगे सिंपली आप लोग जानते हो कि सर यूनिट निकालने का प्रोसेस क्या होता है कैसे यूनिट होती है तो देखिए एफ आप लोग क्या लिखते हो बोला सर एफ लिखते हैं के क्यू वन टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है भैया K की वैल्यू क्या हो जाती है K की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है स्क्वायर यानी कि सर ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुल्लाम माइनस टू ये तेरी इसकी यूनिट हो जाती है बाकी जब हम लोग बात करते हैं तो K क्या होता है बोला सर K इज इक्वल टू होता है वन ओपॉइंट फोर पाई एफ एन नॉट होता है भैया मेरे K को इधर ले जाओ तो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी जाता है के यूनिट क्या लिखे तूने बोला सर ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुल्लाम माइनस टू तो भैया ये जब ऊपर जाती है

क्या होगा बोला सर यहां पे इस तरीके से होगा इस तरीके से होगा कहीं पे कुछ कम होगा कहीं पे कुछ ज्यादा होगा यानी कि जो इसके शार्प एजेस होते हैं ना उसके ऊपर क्या होता 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 है 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 ये ज्यादा तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन ना बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग क्या बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोल देते हैं अब ये तीन तरीके से हम लोग इसके अंदर देखते हैं एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास क्या है एक लीनियर सोर्स है उसके ऊपर जैसे एक एग्जांपल लीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं सर मान लीजिए इस तरीके का है इस तरीके के अंदर क्या होगा इसको हम लोग बोलते हैं सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोल देंगे तो भैया देखो इसको अंदर ना लेके हम लोग एक सीधा सिंपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं देखो नहीं तो आप लोग कुछ और ही समझ जाओगे कैसे देखें मैंने बोला सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो सर इस तरीके से देख लो ये हमने क्या किया है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसको कैसे डिफाइन करते हो तो भाई इसके लिए आप लोग एक सिंबल लेते हो जिसको बोला जाता है लेमडा और इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का ये हो जाता है इसके बाद में आता है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब भैया सरफेस के ऊपर जब किसी चीज को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस केस में आप लोगों का फैक्टर आ जाता है वो होता है एर का क्या हो जाता है एरिया क्या हो जाता है एरिया का फैक्टर आप लोगों का आ जाएगा ठीक है मेरे भाई ये मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ठीक है ये ये हमने कर लिया तो ये क्या हो जाएगा बोला सर यहां पे हम लोग जो लेते हैं, वो लेते हैं हैं वो सिग्मा क्या हो जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया भैया ये एरिया बोला जा सकता है या इसको एस से भी लिख सकते हैं थर्ड जो होता है वो आप लोगों का होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सर किसी भी वॉल्यूम के अंदर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम का रिस्पेक्ट में तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा भैया ये किसी भी वॉल्यूम के अंदर क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भैया कितने रो से रो क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम यानी कि चार्ज पर यूनिट तुम्हारे तीन तरीके के तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भैया चार्ज कब लगाना है कब होगा? कब होगा? और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का कब होता है इन तीनों चीजों को हम लोगों ने बहुत प्यार से समझ लिया है समझ में आप लोगों के भी आ गया होगा सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ रहे होंगे सर आपने ये डीक्यू डीएल क्यों लिया बेटा इसके पीछे का रीजन ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं एक छोटे से हिस्से का कंसीडर करते हैं उस छोटे से हिस्से की जब बात की जाती है ना तो उस केस में हम लोग क्या लगा देते हैं डी डी का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा और जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो देन हम लोगों को मिलता है पूरा क्या मिल जाता है पूरा जैसे आप लोग देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है बोला सर ये लिखा हुआ है डी क्यू ठीक है भैया ये क्या लिखा हुआ है डी क्यू लेमडा डीएल लिखा हुआ है तो इसका जब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो उस केस में क्या होगा बोला सर ये हो जाएगा क्यू ये क्या हो जाएगा लैमडा और डीएल का क्या हो जाता है एल तो भैया ये आपके पास हो जाएगा कि लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ तो भैया अल्टीमेटली आप लोगों का आता यही है आता इस तरीके से ही है तो इसलिए आप लोगों को ये दिमाग में अच्छे से बिठा के रख लेना है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को चलिए समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों का जो आता है ना वो होता है कि सर डाइपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक चार्ज है ठीक है और उसके पास में मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूं और टेस्ट चार्ज क्या करेगा एक फोर्स को महसूस करेगा बोले सर क्यों करेगा क्योंकि भैया एक चार्ज जो होता है अपनी तरफ एक उसका एक फील्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी चार्ज को हम लोग लेके आते हैं वो क्या होता है फोर्स को महसूस करता है तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है कि इज इक्वल टू क्या होता है जैसे आप लोग बोलते हो ना आप लोगों ने देखा होगा कि सर डाइपोल से रिलेटेड अभी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ डोंट वरी ठीक है तो मैंने बोला कि सर देखो हमारे पास क्या है एक चार्ज ऑलरेडी ये है मान लीजिए ये क्यू है इसके पास में मैं क्या कर रहा हूँ सर इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे क्या है एक टेस्ट क्यू नॉट ठीक है तो भैया एफ इज इक्वल टू क्या होगा बोला सर एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा बोला सर फोर्स कितना होगा बोला सर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई बोला राइट है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला सर एफ क्यू नॉट अब आप जानते हो कि एफ कितना होता है बोला सर दो चार्जेस हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो इसके केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला सर एफ इज इक्वल टू हो जाता है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो जैसे ही आप लोग इसके अंदर इसको पुटअप करोगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया मेरे क्यू नॉट और आर स्क्वायर तो भैया क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाता है ये आ जाता है ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर

पर गुलाम आप लोगों का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है या इसी को आप लोग और में क्या लिख सकते हो न्यूटन गुलाम माइनस वन आप लोग इसको लिख सकते हो ठीक है मेरे भाई क्लियर है सभी को तो चलिए या आपका हो जाएगा न्यूटन पर कुम आप लोगों का यह हो जाएगी यूनिट अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो कैसी होती हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास एक चार्ज होता है तो उससे क्या होता है रेडियली आउटवर्ड होती है रेडियली क्या होती है आउटवर्ड आप लोगों की होती है रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होगा कि सर ये जो सरफेस होती है ना इस सरफेस के साथ क्या बनाती है वो नाइनटी डिग्री का कोण कौन बना के जाती है अब देखो सबसे पहले अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाती है नेगेटिव चार्ज

तो जब भी आपके पास दो चार्ज एक तरफ से रखे हुए हैं, तो भाई फील्ड लाइंस क्या होंगी पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएंगी। और याद रखिएगा कि ये जो हमारी है ये कौन सा लूप बनाती है तो ये हमारा बनाती है ओपन लूप क्या बनाते हैं भैया मेरे ओपन लूप ये हमारी बनाती है ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती क्लोज लूप हमारी कौन बनाती है वो हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या करती हैं क्लोज लूप बनाती है क्लोज लूप का मतलब है कि जहां से आप स्टार्ट हुए हो उसी जगह जाके क्या कर रहे हो एंड कर रहे हो वो होता है क्लोज लूप यहाँ पे क्या हो रही है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे जाके क्या हो रही है खत्म हो रही है अगर दो सेम टाइप के चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि सर एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं मैं उनकी बात करूंगा लूप बनाया और सेकंड क्या होता है कि सर क्या हमारी दो है लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है ये दो सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं लेकिन जब बात आती है यहां पर तो इसको याद रखेगा ये हमारा क्या होता है ये हमारा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे ये क्या हुआ? अबारी होती है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है उसकी बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं जैसे आप देखिए यहाँ पे यहां पे क्या हुआ सर? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ यूनिफॉर्म का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच में अगर उनके मैं बात कर रहा हूं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है सर कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है 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 कि सर उनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो चेंज हो रही है. याद रखिएगा जितनी लाइंस पास पास होती हैं उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जितनी दूर दूर होती है उतना ही फील्ड हमारा क्या होता है नॉर्मल होता है स्ट्रोंग और नॉर्मल का अंतर क्या हुआ यही हुआ स्ट्रॉन्ग हुआ और वीक हुआ समझने की कोशिश करिएगा बोला सर ये हमारा क्या है बोला सर देखिए यहां पे मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं एक है एक्स और एक है वाई यहां पे आपको लग रहा है कि सर सारी फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट हो यानी कि सर इसको मैं क्या बोलूंगा यूनिफॉर्म बोलूंगा क्या बोलूंगा यूनिफॉर्म मैं इसको बोल दूंगा ये हमारा क्या हो जाता है यूनिफॉर्म हमारा हो गया अगर ये यूनिफॉर्म है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बोला सर दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है इक्वल होती है यह आप लोग समझ गए होंगे यह आप लोग समझ गए होंगे लेकिन गुरुदेव अभी आपने हमसे बोला नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बोला गुरुदेव बोला गुरुदेव ये जो नॉन यूनिफॉर्म वर्ड जाता है यहां से एक सवाल बनेगा भैया इस चीज को याद रखना जो मैं दो चीजें बता रहा हूं यहां से सवाल बनेगा पिछली बार भी बना है और इस बार भी बनेगा तो इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना है तो देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये पॉइंट एक्स है ये मेरे पास पॉइंट वाई है तो इन दोनों में क्या होता है पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई की जब बात की जाती है तो यहां पर देखिए ये फील्ड क्या होती है पास पास की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड

ये हमारा एक सिस्टम होता है किसका सिस्टम होता है दो अपोजिट चार्जेस का जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर यह हमारा क्या है दो सिस्टम चार्जेस मैंने बोला कि सर एक हमारे पास क्या है एक चार्ज हमारा क्या है मान लीजिए एक हमारा क्या है नेगेटिवली चार्ज है दूसरा हमारा क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ये दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस के ऊपर है जिसको मैंने बोला टूए बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि सर टूए क्यों लिया क्योंकि बेटा अब इसके अंदर सवाल क्या होते हैं आप लोगों के मिड पॉइंट पे जाते हैं कि भैया मिड पॉइंट पे कितना होगा मिड पॉइंट पे कितना होगा कौन से सिस्टम के अंदर या इक्लिब्रियम के अंदर होगा जहां पे मेरा फोर्स जीरो हो तो इन चीजों को आप लोगों को कनेक्ट यहीं से करना पड़ेगा इसलिए डिस्टेंस को फिर हम लोग क्या कर लेते हैं हाफ हाफ ले लेते हैं जैसे यहां पर हुआ कि सर इसको मैंने बोल दिया ये क्या है इसका मिड पॉइंट हुआ जिसकी वजह से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है ए और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई है ए ठीक है तो हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो P से लिखते हैं क्या लिखते हैं क्यू डॉट टू ए हम लोग इसको लिख देते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाती है यूनिट हो जाती है भैया इसकी क्या होती है कुलम इसकी क्या हो यूनिट होती है मीटर तो भैया इसको सेंटीमीटर कभी मत समझना अगर कहीं पे पी लिखा हुआ है तो उसकी यूनिट क्या होती है कुलम मीटर हमारी यूनिट होती है तो इसलिए आप लोगों को इसको क्या करना है अच्छे से दिमाग में कनेक्ट कर लेना है कि सर कुलम मीटर का मतलब क्या हुआ यह सेंटीमीटर नहीं है आप लोग बहुत बार गलती करते हो इसलिए मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया अब बात आती है कि सर देखो यह जो डाइपोल है अगर इसको मैं यूनिफॉर्म देखो दो वर्ड पकड़ना अगर डायपोल को मैं यूनिफॉर्म में रखूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं मेरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैं क्या करूं इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इसको रखूं ठीक है दो तो चीजों को दिमाग में बिठाइएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारा क्या हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हुआ इन दोनों की चीजों की मैं यहां पर बात करने वाला हूं

अगर इसके अंदर आप लोग डाइपोल को जैसे ही रखोगे तो क्या होगा बोलो सर जैसे ही डाइपोल को मैंने इसके अंदर रखा तो आप लोग जानते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये मेरा क्या है नेगेटिवली चार्ज है ये मेरा क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो भैया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है टू ए है और जब आप लोगों को बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल को आप लोग रखते हो तो डाइपोल के ऊपर क्या होता है फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फोर्स लगाता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो भैया देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा पॉजिटिव पे लगेगा तो कितना हो जाएगा बोला सर एफ इजिकल टू क्या हो जाता है प्लस क्यू बोला राइट right है इधर लगेगा तो भैया इस पर नेगेटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट यानी कि माइनस क्यू ई बोला राइट right है गुरुदेव बोला राइट right है क्लियर है क्लियर है बोला गुरुदेव बिल्कुल करेक्ट है अब मेरे को एक चीज समझाओगे बोला सर सर इस नेट 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 फोर्स 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 की की बात की जाएगी तो भैया कितना हो हो जाएगा जाएगा प्लस और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, जाएगा, जाएगा भैया जी जीरो ये हो जाएगा नेट फोर्स जीरो यानी कि जब भी आप लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस केस में फोर्स आपका कितना होगा जीरो लेकिन गुरुदेव जब टॉर्क की बात की जाती है तो टॉर्क क्या होता है बोला सर टॉर्क होता है पीई साइन थीटा तो भैया यहां पे साइन थीटा के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं यानी कि सर यहां पे थीटा एंगल जो भी होगा उस केस में क्या होगा कि ये रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो भैया इस पर टॉर्क तो होने वाला है यानी कि किसी भी ओरिएंटेशन की आप लोग बात करोगे टॉर्क तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा उस ओरिएंटेशन के अंदर टॉर्क तो आप लोगों का क्या है प्रेजेंट रहने वाला है यानी कि सर टॉर्क तो आप लोगों का यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल्स टू जीरो होने वाला है ठीक है उसी तरीके से जब आप लोग क्या करते हो इस वाले नॉन यूनिफॉर्म को लेते हो तो इस केस में क्या होता है मान लीजिए सर ये नेगेटिव है और ये आपने क्या किया है नेगेटिव चार्ज लिया है ये क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज हुआ है इस पे फोर्स कितना लगेगा बोला सर एफ इज इक्वल टू क्या होगा क्यू ई लगेगा अपनी डायरेक्शन के अंदर और दूसरा इस पर क्या लगेगा नेगेटिव लगेगा यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई लेकिन आप लोग जानते हो अभी अभी, अभी आपको मैंने समझाया था कि सर जिधर की तरफ जिधर की तरफ हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होती हैं वो

टू के पी अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा टू के पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब यह आप लोगों का हो जाएगा के वैल्यू क्या होता है नोट होगा और जब हम लोग इक्टोरियल पे बात करेंगे तो कितना हो जाता है बोला सर जस्ट इसका हाफ होता है यानी कि सर पी या हम लोग बोले के पी बाई आर क्यूब आप लोगों का हो जाता है तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर रेशो क्या होता है वह सर ये जो इक्टोरियल लाइन पे होता है इसका जस्ट डबल क्या होता है हमारा उस पर होता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा अगर इसको इसके बराबर लाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि सर जो इक्टोरियल पोजिशन है अगर उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी एक्सेअल पोजिशन आती है उस पर वो क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा राइट मेरे भाई आगे अगर मैं चलता हूं तो आगे बात आती है टॉर्क की कि सर जी

क्या हो जाएगा P का वेक्टर में, e का का में आप लोगों होता है, लेकिन क्या होता, है? होता है लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है हमारा फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा नॉन यूनिफॉर्म की जब बात की जाएगी और टॉर्क नॉट इक्ल्स टू जीरो होगा भैया यूनिफॉर्म में याद रखना फोर्स जीरो होता है टॉर्क नहीं होता है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है फोर्स भी होगा टॉर्क भी होगा दोनों चीज़ होगा अच्छे से दिमाग में बिठा के रख लीजिए तो ये आप लोगों का क्या होता है टॉर्क होता है इसके बाद में जो बात आती है वो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो भैया आप लोग सब लोग जानते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको लेता हूँ ये हमारा क्या है सर एक एरिया है बोलो भैया क्या है एक एरिया है अगर इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो इस एरिया के केस में क्या हुआ कि सर इसका एरिया वैक्टर क्या होगा बोला सर इसके परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है एरिया वैक्टर यानी कि सर जैसे इसको मैंने यहाँ पे रखा यहां पे रखा हो तो ये क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर हुआ जो क्या हुआ एरिया वेक्टर अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं तो ये शिफ्ट हो जाएगा ये शिफ्ट हो जाएगा ये शिफ्ट हो जाएगा यानी कि सर जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो एरिया वेक्टर होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ठीटा से और यहां पे फील्ड लाइन्स क्या बताती हैं भैया जो कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जितनी भी क्रॉस करती हैं उसको हम लोग उससे रिलेटेड फ्लेक्स बोल देते हैं तो क्या लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग आ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लोग कैसे लिखते हो भैया इसको हम लोग लिखते हैं देखो क्या लिखते हैं बोला इसको लिखते हैं सर फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा आप लोगों का हो जाता है कहीं कहीं आप लोगों को इसको एस भी लिख देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे आप लोगों को पता है कि भैया ये मेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने क्या किया एक सरफेस को रखा और उस सरफेस को इस तरीके से रख दिया इस तरीके से क्या है रख दिया अगर ये देखो यहां से तुम देखोगे सर सरफेस का एरिया वैक्टर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है तो सर जी दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना उसकी बात हम लोग करेंगे तो भैया एरिया वैक्टर का इस डायरेक्शन के अंदर कौन होता है बोला सर इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा एक ऑस्ट ठीटा ठीक है एक ऑस थीटा हो जाएगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फ्लक्स की बात हम लोग करेंगे यहां पे जो फ्लक्स होता है ये क्या होता है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो इसलिए आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना है कि सर स्केलर क्वांटिटी है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो सर वोल्ट मीटर हो जाएगी या हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कुम माइनस वन आप लोगों की हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है इसको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए रखना है अगर ऐसा ही यूनिट की बात करते हो आगे बारी देखो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कई बार वो आप लोगों को सवाल कैसा देखा देखिए वो क्या करेगा मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है इस तरीके से उसने क्या कर दिया बेटा इस तरीके से उसने क्या कर दिया है यहाँ पे रख लिया है इस तरीके से और मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से उन्होंने क्या किया है बोला सर यहां से देखिए या फिर मैं इसको एक चीज बताता हूँ सुनिएगा ऐसे नहीं देगा वो मैं सवाल देता हूँ देखो सुनो उसने क्या किया है एक सरफेस आप लोगों से ले ली है सरफेस ले लिया और यहां से क्या बोला है कि सर फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं तो वो भैया क्या करेगा पता है क्या करेगा वो दिमाग लगाएगा आपको उल्लू बनाने के लिए बोल देगा कि भैया ये कितना है ठीटा एंगल है और ये तेरा क्या है ई का तो बताओ इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा इस तरीके से तुझे सवाल दिया जाएगा तो इसके अंदर तुम्हें पहचानना क्या है कि बोला सर फ्लक्स कैसे निकालोगे बोला सर सीधा सिंपल है देखो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ये तेरी क्या होगी परपेंडिकुलर क्या होगा इसका एरिया वैक्टर होगा भैया एरिया वैक्टर और परपेंडिकुलर एरिया वैक्टर और इलेक्ट्रिक

नेक्स्ट बात आती है सर लो क्या कहता है लो ने बोला था कि भैया किसी भी अगर कोई भी सरफेस आप लोगों ने बोल लिया है क्लोज्ड सरफेस लिया है तो उसके अंदर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है या मैं बोलूं कि सर टोटल जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स क्या होता है कि जो भी चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है उसका वन अपॉन एपसाइल नॉट टाइम्स होता है ये हमें किसने बोला था वो बोला था गॉस भाई साहब ने तो इसके लिए क्या, क्या कंसीडर करना पड़ता है सरफेस आप लोगों को लेना पड़ेगा तो भैया कोई भी क्लोज सरफेस आप लोगों ने दी है तो उसके अंदर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उसको ही कंसीडर करेंगे अगर कोई भी बाहर चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे ये चीज याद रखिएगा अब इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन क्या होती हैं यहां से याद रखिएगा ये बहुत 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 ये जो चार चीजें हैं ना आगे की आगे की ये चार पांच चीजें जो मैं बताने वाला हूं ना वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है मेरे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दिमाग में बिठा लीजिए सारी चीजें ये एप्लीकेशन क्योंकि यहां से भर भर के ग्राफ पूछे जाते हैं ग्राफ से सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं हर चीज आप लोगों से पूछी जाती है तो इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना जरूरी है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैंने क्या लिया है एक इनफाइनइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है भैया अगर स्ट्रेट वायर आप लोग लोगे तो फील्ड लाइन इससे बाहर निकलेंगी बोला राइट right है गुरुदेव प्लस है तो प्लस से निकलेंगी और हमने क्या किया इसके चारों तरफ एक गॉजियन सरफेस बना ली और हमने बोला कि इस सर जो आपकी क्या है ये हमारे पास एक लीनियर सोर्स है या मैं बस को बोलूँ कि इन्फाइनिटली लॉन्ग ये हमारे पास क्या है स्ट्रेट वायर याद रखिएगा एक होता है वायर एक होता है शीट एक होता है वायर एक होता है शीट तो भैया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपसे वायर पूछा जाता है शीट के अंदर कोई भी ग्राफ नहीं आता

दोनों को इक्वलेट कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है वो हमारी आ जाती है यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है बेटा E इक्वल टू आ जाती है टू के लैमडा अपॉन में आर बोलो सर 2 क्यों किया जनरली जो ये आती है ना बेटा वो आती है E इज इक्वल टू वन अपॉन और क्या आता है बोलो सर वन अपॉन टू और लैमडा अपॉन ये तेरे पास आती है बस ये याद रखिएगा ये तेरे पास क्या आ जाती है ये आ जाती है बोला right राइट है गुरुदेव एकदम करेक्ट आप लोग बोल रहे हैं बोला सर ये लैमडा कहां से आया भैया आप लोग जानते हो इसके लिए क्या होता है बोला सर ए क्या हो जाएगा टू पाई आर एल होता है और तुम्हें पता है ए हमारा हमारा ये आ जाएगा ई हमारे पास है और क्यू अपॉन देखो यहां में आप लोग बोलोगे तो देखो अपॉन में आप लोगों तो लो का क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस केस में लैमडा हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं भैया अगर आप लोग इसको देखोगे तो सर ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा के बन जाएगा यानी कि सर वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट हो जाएगा और साथ ही ये कितना हो जाएगा बोला ये हो जाएगा टू अपॉन में क्या हो जाएगा आर बुरा राइट है या नहीं है क्लियर हो गया क्लियर है आई थिंक ये सारी चीजें क्या है क्लियर है अगर ये क्लियर है तो आप लोग ग्राफ देखोगे तो क्या होगा सर ई और आर का ग्राफ की की जब बात की जाती है तो भैया ई क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की के सर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो भैया सीधी बात है कि जब जब हमारी डिस्टेंस क्या थी बिल्कुल कम थी उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है रिड्यूस होती जाती है तो यह आप लोगों को याद

एप्स एल एंड अगर दो प्लेट होती e net कितना हो जाता है for two plates? तो भैया एक प्लस की वजह से दूसरा माइनस की वजह से तो तो दोनों ऑन कर दोगे इससे आप लोगों कंप्लीट निकल जाता है राइट right है तो ये क्या होता है सिंगल प्लेट की वजह से इज इक्वल टू सिग्मा पॉइंट टू एप्साइल एनोट जब आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जाते हो तो वहां पे दो प्लेट्स होती हैं तब आप लोग क्या करते हो इन दोनों का एडिशन लेते हो तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि एक प्लेट की वजह से इतना तो दूसरे प्लेट की वजह से कितना होगा बोलो राइट है चीज के अंदर अगर हम लोग जाते हैं आगे आप लोगों का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार एक आप लोगों का होता है देखो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल या फिर हम लोग बोलेंगे बोल देंगे इसको क्या बोल देंगे हम लोग बोल देंगे तो याद रखिएगा एक हमारा क्या होता है यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल या स्पेरिकल शेप हम लोग बोल सकते हैं या इसी को हम लोग बोल सकते हैं होलो स्पेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि भैया होलो है ये सॉलिड नहीं है होलो हो सकता है थिन शेल के रिस्पेक्ट में ले सकता है कुछ भी आपसे करा सकता है तो भैया देखो इस केस में क्या होता है आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो अंदर की तरफ कितनी हो जाती है जीरो हमारी हो जाती है बस इतना सा याद रखना बाकी आप लोग सीधा कर पाओगे इसको क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है अंदर जीरो हो जाती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि भैया आप लोगों ने जाना है कि एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना होता है बोले सर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आप लोगों का होता है अभी अभी जस्ट मैं बता के आया था देखो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने आपको पढ़ाया था देखिए ये रहा कितना था भैया के क्यू बाई आर स्क्वायर था तो ये क्या हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है अब बाहर की तरफ कोई भी पॉइंट होगा अगर बाहर की तरफ क्या होगा कोई भी पॉइंट होगा तो उस केस में क्या होता है ये हमारी क्या होती है आर होता है अगर बाहर की तरफ लेके जाओगे तो आउटसाइड अगर कोई भी पॉइंट लेके जाते हो तो आउटसाइड के केस में क्या हो जाता है बरअसर ई इज इक्वल टू के क्यूँ बाई आर स्क्वायर आप लोगों का हो जाता है तो ये क्या है आउटर यानी कि सर e क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के राइट right है गुरुदेव लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सरफेस के ऊपर तो सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा बोला भैया आर इज इक्वल टू क्या हो जाती है आर कब की बात कर रहे हैं सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो सरफेस के केस में क्या हो जाता है क्यों भाई आर स्क्वायर आप लोगों का हो जाता है राइट right है अगर मैं बात करता हूं कि आर मेरा लेस देन आर है यानी कि अंदर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनर साइड वो कितनी होती है जीरो क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है क्या चार्ज इक्व टू क्या हो जाती है जीरो अगर चार्ज इक्वल टू जीरो होगा तो ईज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि सर कोई भी चार्ज यहाँ पे अंदर की तरफ नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा बोला सर देखो अंदर की तरफ चार्ज जीरो है सरफेस के ऊपर क्या है बोले सर सरफेस के ऊपर तो आपको पता है ये सेम हमें दे रखी है लेकिन हमें पता है कि बाहर की तरफ क्या होता है ई इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के इसलिए ये ग्राफ आप लोगों का बनता है याद रखिएगा देखो एक ग्राफ आप लोगों का इस तरीके से बनता है

अब इसके बाद में जो आप लोगों का आता है वो होता है सॉलिड स्पेयर का क्या होता है बेटा सॉलिड स्पेयर की हम लोग बात करते हैं तो सॉलिड की बात कर रहा हूं और नॉन कंडक्टिंग की बात है नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्पेयर की बात है तो भैया आप लोगों को पता है जैसे एज यूजल जो आप लोगों को पता है वो क्या है कि सर देखो बाहर की तरफ क्या होता है वही सेम चीज होगी बाहर की तरफ बाहर की तरफ क्या होगी वही सेम चीज होगी अंदर सरफेस के ऊपर क्या होगा वही सेम चीज होगा लेकिन 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 सर जब इंटरनल की बात की जाती है तो सॉलिड जब होता है ना तो सॉलिड का मतलब क्या हुआ सर सॉलिड इस तरीके का होता है कि सर जी चार्ज कहाँ होगा इनर साइड होता है और उसके इसमें क्या होता है इसका वॉल्यूम क्या करता है बेटा मैटर करता है यहाँ पे क्या आ जाता है इसका वॉल्यूम का फैक्टर हमारा आ जाता है और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या करते हो कि सर मास अपॉन क्या हो जाता है वॉल्यूम आप लोगों का होता है तो उस केस में याद रखेगा सॉलिड सिर्फ सॉलिड क्या केस बोल रहा हूँ कि ई e क्या होता है किसके लिए इनर साइड के लिए

इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा तो इस तरीके से क्या है आप लोगों को दोनों चीजों को कंसीडर करना है इस तरीके से तो आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया तीन ग्राफ्स आप लोगों के इसके अंदर बने कभी आप लोगों से फोर्स का ग्राफ पूछ सकता है तो भैया आप लोग जानते हो ना एफ इज इक्वल टू क्या होता है बोलो सर एफ इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू वन डिवाइडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है तो भैया फोर्स और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बोलो सर इस तरीके का क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा यानी कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर तो ये तुम्हें भी याद रखना है यानी कि सर इसके अंदर बेसिकली चार ग्राफ आप लोगों के हुए हैं जिनको आप लोगों को याद रखते हुए चलना है पूरे चैप्टर के अंदर बस इनको अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको काम पूरा आसानी से हो जाएगा इस पे बेस्ड आप लोगों के सवाल आए हुए भी हैं तो उनको मैं बता देता हूं जिनको आप लोग होमवर्क में करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि सर क्या उसका आंसर है साथ ही आप लोग जरूर बताओगे कि कैसा लगा आप लोगों का ये क्विक रिवीजन जो मैंने बहुत शॉर्ट वे में आप लोगों को करा दिया है एग्जाम में आप लोग तूफान ला दोगे इसको पढ़ के जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा देखिए इस पर बेस्ड सवाल आए हुए हैं जैसे सी यू दो देखिए बाय बाईस के अंदर देखो तेईस अगस्त की शिफ्ट में था ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था आप लोग मुझे बताओगे क्या दे रखा है सेकंड सेकंड जो सवाल है वो देखिए ये रहा तीस अगस्त की शिफ्ट टू के अंदर ये ग्राफ बेस्ड सवाल आए थे आप देखो बहुत सारे लोगों को तो ये देखते ही पता लग गया होगा कि सर ये कौन से चैप्टर का है सेकंड चैप्टर का है जब आप लोग बात करते हो किसकी पोटेंशियल की किसके लिए सॉलिड के लिए समझ में आ गई बात तो वो ग्राफ है तो इसलिए आप लोग इसको पहचानने सीख जाओगे जैसे अभी पहले चैप्टर के अंदर जितने भी ग्राफ्स थे वो मैंने सारे करा दिए हैं मेरे भाई आप लोगों के उन पे क्या कर लेना है कमांड हासिल कर लेनी है कि सर एग्जाम के अंदर कुछ भी आएगा ना हम लोग उसको करेंगे बस ये दिमाग में रखिएगा न्यूमेरिकल आप लोगों के फॉर्मुले बेस्ड आने वाले होते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे होंगे जैसा जनरली जो पूछा जाता है बोल दिया जाता है कि भैया इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे कि एक चार्ज तेरा यहाँ पे एक चार्ज इसके अंदर बीच में रखा है दूसरा चार्ज यहाँ पे या बोल दिया जाता है कि ये माइनस क्यू चार्ज है ये क्यू चार्ज है टू क्यू चार्ज है तो बताइए इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो करना है तो हमारा क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए या तो इसको क्यों बना दीजिए या इसको Q, तो भैया क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं जब फोर्स को आप लोगों से क्या कराया जाता है जीरो कराया जाता है तो इसलिए आप लोगों को इन इनपे फोकस करना है राइट है मेरे भाई आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी कि कम टाइम में हम लोग पूरी चीजों को रिवाइज कर पाएं आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे राइट है मेरे भाई आई होप समझ गए होंगे इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा चीज क्या है कि यार अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर तो उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो अभी आप लोगों का एक अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच तो भैया प्रतिज्ञा के अंदर एनरोल कर लीजिए क्योंकि हमने तो प्रतिज्ञा ठान ली है आप लोगों को टॉप कराने की क्या आप लोगों ने ठानी है अगर ठान लिए तो जाइए एनरोल करिए एनरोल करने के लिए कैसे आप लोगों को करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को जाना है गूगल के ऊपर गूगल पे आप लोग कैसे जाओगे मान लीजिए गूगल के

अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना इस बैच के अंदर आएगा ना तो तूफानी तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पाएगा तो कूपन कोड आप आप लोगों को यहां अप्लाई करना है जो है है जो जो इंपॉर्टेंट कौन सा भैया मेरे वो है Y485, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो चीजों को कनेक्ट करना चाहते हो क्योंकि देखिए वैसे मैं हर बार आप लोगों को पता आता रहता हूं तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो लगाइए कूपन कोड वाई फोर एट फाइव और जाके एनरोल करिए इसके अंदर क्योंकि एक अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है पहली क्लास फिजिक्स की होने वाली है जिसके अंदर मैं पहले क्विक रिव्यू

जिससे सवाल बनते हैं ठीक है बेटा थैंक यू एंड बाबा टू ऑल